दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन मनी मेक करना चाहते हो और महीने के $1,000, $2,000 या $3,000 तक अर्न करना चाहते हो तो दोस्तों आज के समय में यह चीज पॉसिबल है, क्योंकि आज के समय में आपको बहुत सारे ऑनलाइन मेथड्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे वर्क करना है। अगर आप इन ऑनलाइन मेथड्स के ऊपर पर डे 30-40 मिनट तक वर्क करते हैं तो आप अपने लिए एक ह्यूज अर्निंग अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इन्हीं ऑनलाइन मेथड में से एक मेथड आता है एफर्ट मार्केटिंग का। एफर्ट मार्केटिंग आज के समय का सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है और बहुत सारे लोग बहुत ही लंबे समय से एफर्ट मार्केटिंग कर रहे हैं और महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एफर्ट मार्केटिंग का ही मेथड शेयर करने वाला हूं। इस मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से AI टूल के माध्यम से एफर्ट मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने लिए कैसे आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी AI टूल से कैसे एफर्ट मार्केटिंग करते हैं सारी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ ये AI टूल शेयर कर देता हूं जिसका आज हम यूज करने वाले हैं एफर्ट मार्केटिंग के अंदर। तो गाइस, इस AI टूल का नाम है simplify.co। काफी अच्छा टूल है और इस टूल के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां से अपने आर्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं, आप यहां से अपनी फेसबुक ऐड की कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐड की कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो ऐड की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, इंफोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आप यहां से अपने लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलती है। एंड दोस्तों, इस टूल के आपको यहां पर दो वर्जन मिलते हैं, एक वर्जन मिलता है फ्री और दूसरा वर्जन मिलता है पेड। अगर आप इसका पेड वर्जन यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पर बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जो कि आपको फ्री वर्जन के अंदर नहीं मिलने वाली। परंतु इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्री वर्जन का ही ट्यूटोरियल देने वाला हूं, क्योंकि तो मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप इसका पेड वर्जन यूज नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको यहां पर इसके फ्री वर्जन का ही ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो गाइस, अब आपको इस टूल को कैसे यूज करना है अपनी एफर्ट मार्केटिंग के अंदर उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो गाइस, इस टूल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है साइन अप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज आता है जिसके अंदर आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है। यहां पर सिंपली आपको लिटिल बिट इंफॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहां पर आपको अपना कंपनी नेम मींस आप अपना नेम भी डाल सकते हो, देन यहां पर आप अपना पासवर्ड डाल देना, फिर यहां पर आप अपना कंफर्म पासवर्ड करना, फिर साइन अप के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक कंफर्मेशन का ईमेल आता है, सिंपली आपको वहां पर जाकर अपने ईमेल को कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप अपना ईमेल को कंफर्म करते हो तो आपका इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट होता है देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। एंड गाइस, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि इस टूल के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दी गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आप इस टूल के माध्यम से अपनी वीडियो, एड्स, स्क्वाड्स, प्रोडक्ट, ब्लॉग, आर्टिकल सभी की कॉपीज को क्रिएट कर सकते हो, मींस यहाँ पर आप उनके लिए कंटेंट को रेडी कर सकते हो। यहाँ से आप अपने ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हो, वो भी AI टूल के माध्यम से। साथ में यहाँ पर आप AI टूल के माध्यम से अपने YouTube या YouTube शॉर्ट्स के लिए वीडियो को भी क्रिएट कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर अपनी पोस्ट को भी शेड्यूल कर सकते हो, लाइक अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करनी है, ट्विटर के ऊपर पोस्ट करनी है, आपको फेसबुक पे पोस्ट करनी है, फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको पोस्ट करनी है तो उसको भी आप यहां से शेड्यूल कर सकते हो। अब इस टूल के माध्यम से आप एक हाई क्वालिटी का आर्टिकल कैसे क्रिएट कर सकते हो उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ में आपके साथ कुछ फ्री की वेबसाइट भी शेयर करने वाला हूं जिसके ऊपर आप उन आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हो और वहां से बहुत सारा ट्राफिक अपने एफर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ला सकते हो। दोस्तों, आर्टिकल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहां पर आना है, यहां पर आपको रोबोट का साइन नजर आ रहा होगा, सिंपली यहां पर आपको अपने कर्सर को लेके आना है। जैसे आप यहां पर अपने कर्सर को लेके आते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है AI राइटिंग टूल्स का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है और यहां पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है लॉन्च राइटर का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है जहां पर आप अपना आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, आर्टिकल क्रिएट करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस नीच से रिलेटेड अपना आर्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं। गाइस, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं, जब भी आपको अपनी नीच सेलेक्ट करनी हो या फिर आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना हो तो उसको आपको अपने एफर्ट नेटवर्क के अंदर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको बेटर आइडिया मिल सकता है। तो सिंपली हम यहां पर अपने एफर्ट नेटवर्क के अंदर लॉग इन करने वाले हैं। तो मैंने यहां पर Digisho24 के अंदर अकाउंट बना रखा है। अगर आपका क्लिक बैंक के अंदर अकाउंट है तो आप उसके अंदर भी लॉग इन कर सकते हैं।
जैसे आप डिशो 24 के अंदर लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है। एंड गाइस यू कैन सी यहां पर आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको आप इजीली यहां पर प्रमोट कर सकते हो, और इतनी सारी निशेज मिलती हैं जिनके ऊपर आप इजीली वर्क कर सकते हो। एंड गाइस मैं हमेशा हेल्थ एंड फिटनेस के निश के प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं हेल्थ एंड फिटनेस का ही एग्जांपल लेने वाला हूं। तो मैं सिंपली हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो यू कैन सी हमारे सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसको हम इजीली यहां पर प्रमोट कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने एक प्रोडक्ट को ऑलरेडी चूज कर रखा, काफी अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यहां पर प्रमोट करते हो तो उस केस में आपको $24 का कमीशन मिलता है। मींस अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और वहां से अपनी एक सेल जनरेट करते हो तो उस केस में आपको यहां पर $24 एज ए कमीशन के तौर पर मिलता है। मींस अगर आप यहां पर दिन की 5 सेल निकलवा लेते हो तो आप इजिली यहां से $100 पर डे के एम को अचीव कर सकते हो। एंड इस प्रोडक्ट का नाम है नेचुरल स्मूदी डाइट। काफी अच्छा प्रोडक्ट है और एक वेट लॉस का प्रोडक्ट है। मीन्स आप क्या कर सकते हो, वेट लॉस से रिलेटेड अपने एक आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पर इजीली प्रमोट कर सकते हो। क्रिएट करना है उसके स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूँ। तो गाइस आर्टिकल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट टेम्पलेट का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लॉग आइडियाज प्लस टाइटल इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है टोन का, तो टोन के अंदर आपको फॉर्मल को सिलेक्ट रहने देना है। फिर लैंग्वेज के अंदर आपको इंग्लिश को ही सिलेक्ट रहने देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टॉपिक का ऑप्शन नजर आता है और टॉपिक के अंदर आपको अपना मेन कीवर्ड लिखना है जिसके अराउंड आप अपना आर्टिकल क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया है कि हम वेट लॉस के अराउंड अपना आर्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वेट लॉस इसको टाइप कर देंगे। एंड वेट लॉस टाइप करने के बाद सिंपली आपको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेकंड प्रोसेसिंग चलेगी और आपके सामने बहुत सारे टाइटल्स आ जाएंगे। सिंपली यहाँ से आपको एक टाइटल को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है यह टाइटल आपको कन्वर्जन ला के दे सकता है, उसी टाइटल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ पर इतने सारे टाइटल मिल रहे हैं। जिस भी टाइटल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सिंपली आपको उसके ऊपर जाना है और प्लस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टाइटल यहाँ पर एड हो जाएगा। अब टाइटल क्रिएट करने के बाद आपको अपने टाइटल से रिलेटेड यहाँ पर बॉडी कैसे क्रिएट करनी है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस बॉडी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लॉग आइडियाज एंड टाइटल का, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लॉग आउटलाइन इसका ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको अपने टाइटल को अगेन कॉपी कर लेना है और कॉपी करके सिंपली आपको इसको ब्लॉग टॉपिक इसके अंदर पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको जनरेट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी ब्लॉग की आउटलाइन होगी, आउटलाइन का अर्थ क्या होता है, जो भी आपके ब्लॉग के पैराग्राफ्स होंगे सारे पैराग्राफ्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर सारे पैराग्राफ्स को रीड करना है और जो भी पैराग्राफ आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है उस पैराग्राफ को क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर ड्रॉप कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हमारी टाइटल्स एंड आउटलाइन क्रिएट हो चुके हैं। प्रत्येक आउटलाइन के लिए आप एक पैराग्राफ को कैसे क्रिएट कर सकते हो उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको 13 आउटलाइंस मिली हुई हैं। अब 13 आउटलाइंस के लिए आपको पैराग्राफ कैसे बनाना है उसको आप ध्यान से समझ लो। तो पैराग्राफ बनाने के लिए आपको सिंपली यहां पर आना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट टेम्पलेट का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको ब्लॉक सेक्शन कंप्लीटर इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर अपने लिए एक पैराग्राफ को क्रिएट करना है। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक आउटलाइन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे इससे रिलेटेड अपना पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो सिंपली मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। देन उसके बाद हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे इससे रिलेटेड जितने भी पैराग्राफ्स होंगे सारे पैराग्राफ्स मेरे सामने आ जाएंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर इतने सारे पैराग्राफ्स मेरे सामने आ चुके हैं। सिंपली आपको इन पैराग्राफ्स को ध्यान से रीड करना है और जो भी पैराग्राफ आपको पसंद आ रहा है उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करोगे वह मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर आना है। जैसे कि मान लो मुझे ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर ऐड करना है तो सिंपली मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका पैराग्राफ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सभी आउटलाइन से रिलेटेड अपने पैराग्राफ्स को यहाँ पर बना सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर इस वाला जो आउटलाइन है इससे रिलेटेड पैराग्राफ को क्रिएट करना है, इसको मैं अगेन यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करके मैं अगेन ऊपर जाता हूँ। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने के बाद जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अवॉइड प्रोसेस फूड इससे रिलेटेड जितने भी पैराग्राफ होंगे सारे पैराग्राफ्स हमारे सामने आ जाएंगे।
सिंपली हमें क्या करना है, उन पैराग्राफ को यहाँ पर ऐड करना है। एंड गाइस इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जितनी भी आपको यहाँ पर आउटलाइन नजर आ रही है सबसे रिलेटेड पैराग्राफ को यहाँ पर आपको जनरेट करना है और सभी को आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। जैसे आप सारे पैराग्राफ्स को यहाँ पर ऐड करते हैं देन उसके बाद आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं अवॉइड प्रोसेस फूड, इससे रिलेटेड मेरे पास पैराग्राफ आ चुका है और इससे रिलेटेड मेरे पास दो पैराग्राफ आ चुके हैं। सिंपली मैं क्या करूंगा, इन पैराग्राफ को यहाँ पर रीड करूंगा और जो भी पैराग्राफ मुझे पसंद आ रहा है उस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे हमारे पास स्पेस बनता है देन उसके बाद हम यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार आपको क्या करना है, आपको सारे पैराग्राफ्स यहाँ पर बनाने हैं और अपना कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पर रेडी कर लेना है। गाइस यू कैन सी हमने यहाँ पर 1000 वर्ड का आर्टिकल क्रिएट कर दिया है जिसको अब हम अपने फ्री के ट्रैफिक सोर्स के ऊपर प्रमोट करने वाले हैं। परंतु गाइस प्रमोट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात और शेयर कर देता हूं। तो गाइस बात यहां पर यह है कि आप इस टूल के माध्यम से 2 फ्री के आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 1000 वर्ड का आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। परंतु अगर आपको इस टूल के माध्यम से बहुत सारे फ्री के आर्टिकल्स क्रिएट करने हैं तो उस केस में आपको इनके पेड प्लान को परचेज करना होगा। अगर आप इनके पेड प्लान को परचेज नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स को क्रिएट करना होगा। जितने ज्यादा अकाउंट्स आप इसके ऊपर क्रिएट करोगे उतने ज्यादा आप फ्री में आर्टिकल्स यहाँ से जनरेट कर पाओगे। 200 आर्टिकल क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें अपने आर्टिकल के ऊपर ट्राफिक लेके आना है। जब तक हमारे आर्टिकल के ऊपर ट्राफिक नहीं आएगा तब तक हम मनी मेक नहीं कर पाएंगे। तो गाइज मैं आपके साथ 3 वेबसाइट शेयर करने वाला हूं जिसके ऊपर आप इन आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हो और वहां से बहुत सारा ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। तो गाइज आज की हमारी पहली वेबसाइट का नाम है medium.com। medium.com के बारे में आपने पहले सुना होगा, बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक अपने एफर्ट लिंक्स के ऊपर लेके आ सकते हो। अब medium.com से आप किस प्रकार से ट्रैफिक लेके आओगे, किस प्रकार से यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल सबमिट करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस medium.com के ऊपर आर्टिकल शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है, आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो यहाँ पर आपको पेंसिल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आता है जहां पर आप अपने आर्टिकल को शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यहां पर हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस आ चुका है जिसके अंदर हम अपने आर्टिकल को शेयर कर सकते हैं। तो गाइज यहां पर आपको टाइटल बनाने का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसके ऊपर आना है और यहां से अपने टाइटल को कॉपी कर लेना और कॉपी करके आपको इसको टाइटल के अंदर पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर टाइटल में पेस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टेल योर स्टोरी का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है और यहाँ से आपको अपनी पूरी बॉडी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से पूरी बॉडी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार से क्या हो चुका है, पूरा का पूरा आर्टिकल आपका यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, टाइटल भी बन चुका है, यहाँ पर आपका टेक्स्ट भी बन चुका है। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पर अपनी इमेज लगानी है तो उसको कैसे लगाना वो मैं आपको बताता हूँ। तो इमेज लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एंटर पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फोटो का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोटो को यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी फोटोज को भी लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पर अपनी इमेजेस को भी लगा सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक्स को कैसे लगाना है उसका तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर अपना एफर्ट लिंक लगाना है तो सिंपली आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर कॉपी करते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक लगाने का ऑप्शन मिलता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना एफर्ट लिंक पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपना एफर्ट लिंक पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एफर्ट लिंक दिख जाएगा। एंड गाइस मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा मीडियम के ऊपर आपको 2 से ज्यादा एफर्ट लिंक नहीं लगाने। अगर आप 2 से अधिक यहाँ पर एफर्ट लिंक लगाते हैं तो आपका अकाउंट स्पैम के अंदर चला जाता है और आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बन जाते हैं। तो मीन्स यहाँ पर आपको 2 से ज्यादा एफर्ट लिंक नहीं लगाने, 2 से कम ही एफर्ट लिंक आपको यहाँ पर लगाने। इतना काम करने के बाद सिंपली आपको पब्लिश को क्लिक कर देना है। जैसा आप पब्लिश को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टैग्स लगाने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली टैग्स को लगा देना है। जैसे कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं वेट लॉस, जैसे आप यहाँ पर वेट लॉस इत्यादि टाइप करेंगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आएंगे। सिंपली यहाँ से आपको चूज करते चले जाना है और यहाँ पर आपको कम से कम 5 टैग्स को लगाना है, फिर उसके बाद आपको पब्लिश नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिश नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल यहाँ पर सबमिट हो जाएगा।
मीडियम और गूगल के अंदर आपका आर्टिकल रैंक करेगा, वहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा और आप वहां से मनी मेक कर पाओगे। एंड गाइस, आपको medium.com के ऊपर अगर डिटेल गाइड चाहिए तो आप मेरी फ्री ट्रैफिक के प्लेलिस्ट को देख लो, वहां पर मैंने 3 से भी ज्यादा वीडियोस बना रखे medium.com से रिलेटेड। उन वीडियोस को देखकर आप डिटेल में समझ सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार से मीडियम के ऊपर आर्टिकल को सबमिट करना है। दोस्तों, आज के हमारे दूसरे फ्री ट्रैफिक सोर्स का नाम है सुपर आर्टिकल। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर मैं काफी समय से वर्क कर रहा हूं और यहां से मुझे काफी अच्छी एंगेजमेंट मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ यह वाला फ्री का ट्रैफिक सोर्स भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुपर आर्टिकल्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है, आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट हो जाता है। जैसे आपका इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट होता है तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है और यहां पर आपको सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन नजर आता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आता है जहां पर आप अपने आर्टिकल्स को सबमिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप अपने आर्टिकल की कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि हमारी है वेट लॉस, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको वेट लॉस को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल के 3 से 4 शुरू के 3 से 4 लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पूरे आर्टिकल को पेस्ट कर देना है और यहाँ से आप अपने आर्टिकल के अंदर एफर्ट लिंक्स को भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाऊं, यहाँ पर आपको लिंक्स लगाने का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक्स को लगा सकते हैं। देन आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली आपको आई एम नॉट रोबोट इस पर टिक करना है, फिर आई कंफर्म इस पर टिक करना है, फिर सबमिट आर्टिकल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका आर्टिकल यहाँ पर सबमिट हो जाता है, कुछ ही दिनों में आपका आर्टिकल यहाँ पर रैंक होना स्टार्ट हो जाता है और वहां से आपको ट्राफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आज के हमारे तीसरे फ्री ट्राफिक सोर्स का नाम है अदर आर्टिकल्स। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर भी आप अपने आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारा फ्री का ट्राफिक आप जनरेट कर सकते हो। एंड दोस्तों, इस वेबसाइट के ऊपर आपको अपने आर्टिकल्स को कैसे शेयर करना है, अब उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, सिंपली यहां पर आपको अपना ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है, आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट होता है तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है। अब इसके अंदर हम अपने आर्टिकल को कैसे शेयर कर सकते हैं उसकी गाइड मैं आपको देने वाला हूं, तो इसके लिए आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको पेंसिल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आता है जहां पर आप अपने आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको न्यू आर्टिकल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको यहां पर आना है और कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारी कैटेगरी वेट लॉस, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपनी हेल्थ की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको अपने आर्टिकल की शुरू की 3 से लेकर 4 लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको लिंक लगाने का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इसके माध्यम से आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अपने एफर्ट लिंक को लगा लेना। इतना काम करने के बाद आपको आर्टिकल के कीवर्ड्स को यहाँ पर पेस्ट करना है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है। जैसे कि मान लो हमारे कीवर्ड्स क्या यहाँ पर बनेंगे, वेट लॉस, देन कोमा लगाना है आपको यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर लिख देना है लाइक वेट लॉस टिप्स। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को पेस्ट करना है और कम से कम 5 से 6 कीवर्ड्स को यहाँ पर पेस्ट करना है ताकि आपका आर्टिकल इन्हीं कीवर्ड के ऊपर रैंक करना स्टार्ट हो जाए। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी इमेज को यहाँ पर ड्रैग कर लेना है, जो भी रिलेवेंट इमेज हो उसको गूगल से डाउनलोड कर लेना है और उस इमेज को आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको टिक का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टिक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका आर्टिकल यहाँ पर सबमिट हो जाता है और कुछ ही दिनों में आपका आर्टिकल इस वाली वेबसाइट और गूगल के ऊपर रैंक होना स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपको ट्राफिक आता है और वहां से आपके सेल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप AI टूल के माध्यम से आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो और इन डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर आप शेयर कर सकते हो और वहां से बहुत सारा ट्राफिक आप जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें, वैसे को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।